हे वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं वैगन आर 2023 वर्सेस एस्प्रेसो 2023। आज के डेट में 2023 में क्या वैगन आर एक बेहतर डील दे रही है आपको या एस्प्रेसो लेना होगा सही फैसला, आपको बताएंगे, करेंगे डिटेल कंपेयर और देखते हैं कौन सी गाड़ी है रियल वैल्यू फॉर मनी। मेक श्योर दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं दोनों गाड़ियों के प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ। दोनों ही गाड़ियां दोस्तों हॉट टेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड गाड़ी है। जहां पर वैगन आर एक टॉल बॉय हैचबैक सेगमेंट में आती है, वहीं एस्प्रेसो एक मिनी माइक्रो एसयूवी में गिनी जाती है। अगर हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों की साइज की, तो साइज वाइज आपके सामने अभी दिख रहा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर हम साइज के अनुसार बात करें तो अभी आप देख पा रहे हो, अगर हम लंबाई देखते हैं तो वैगन आर 90 mm ज्यादा लंबी है, चौड़ाई में 100 mm ज्यादा चौड़ी है वैगन आर, और ऊंचाई में 108 mm ज्यादा ऊंची है वैगन आर। सो इन तीनों ही फैक्ट्री में जो हम बात करते हैं कौन सी गाड़ी ज्यादा बड़ी दिखने में लगती है, किसमें ज्यादा स्पेस आप पाओगे, तो वह वैगन आर एज कम्पेयर टू एस्प्रेसो। हालांकि स्पेस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक बड़ी गाड़ी मुझे बताना रहे तो वैगन आर है। बूट स्पेस आपको वैगन आर में आपको देखने को मिलता है 341 लीटर का, और एस्प्रेसो में देखने को मिलता है 240 लीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का वैगन आर में और एस्प्रेसो में 180 mm का देखने को मिलता है। तो दोनों गाड़ियों की साइज वाइज बात करें तो यहाँ पे वैगन आर ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूँ किस गाड़ी में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है और कौन सी गाड़ी थोड़ी सी आपको एसयूवी वाली फील देगी, थोड़ी सी मॉडर्न देगी, तो वो एस्प्रेसो है, जबकि वैगन आर आपको एक टॉल बॉय हैचबैक वाली फीलिंग देता है। दोस्तों बात करेंगे हम लोग इंजन की। इंजन वाइज बात करें तो वैगन आर में मेनली तीन प्रकार के इंजन आते हैं। पहला है 1000 cc का पेट्रोल इंजन, ये एक 3 सिलेंडर इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 65 bhp का विद टॉर्क ऑफ 18 Nm टॉर्क। दूसरा है 1200 cc का, इसमें पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर का इंजन है, यह इंजन पावर जनरेट करता है 88 bhp का विद टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। इस गाड़ी में एक CNG इंजन आता है जो कि 1000 cc का है, वही 3 सिलेंडर वाला, ये इंजन पावर जनरेट करता है 55 bhp का विद टॉर्क ऑफ 82 Nm टॉर्क। टॉप स्पीड की बात करूँ, ये गाड़ी काफी आराम के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, और गाड़ी में आपको मैनुअल व ऑटोमेटिक दोनों प्रकार के गियरबॉक्स आ जाते हैं। एस्प्रेसो की बात करूँ, एस्प्रेसो में मेनली दो प्रकार के इंजन आते हैं। पहला है 1000 cc का K10C 3 सिलेंडर इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 65 bhp का विद टॉर्क ऑफ 89 Nm टॉर्क, और दूसरा है दोस्तों इसमें CNG इंजन इसी पे बेस्ड है जो कि पावर जनरेट करता है 55 bhp का विद टॉर्क ऑफ 82 Nm टॉर्क। ये दोनों ही इंजन आपको यहाँ पे वैगन आर में भी देखने को मिलते हैं। तो इंजन वाइज अगर हम डिफरेंस देखें तो दोनों में सेम इंजन है, लेकिन वैगन आर में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको ज्यादा लग्जरीनेस रिफाइनेस चाहिए तो आप 4 सिलेंडर इंजन वैगन आर का देख सकते हो जो कि 1200 cc का है। माइलेज की बात करेंगे, माइलेज वाइज दोस्तों आपको वैगन आर पेट्रोल पे देती है 24.35 km का माइलेज, और CNG भी देती है 34 km प्रति किलो का माइलेज। एस्प्रेसो की बात करूं, एस्प्रेसो देती है 24.12 km का माइलेज, और CNG भी देती है 32.70 km का माइलेज। तो अगर हम माइलेज के फैक्टर में बात करते हैं तो माइलेज के फैक्टर में थोड़ी सी डिफरेंसेस के साथ वैगन आर आगे निकल जाती है, लेकिन ऑन प्रैक्टिकलिटी दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेहतरीन माइलेज दे रही है। आपको माइलेज के लिए गाड़ी चाहिए तो कोई भी उठा लो, आप कभी इसमें निराश नहीं होगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम वाइज वैगन आर में आता है 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड एप्पल नेविगेशन, रियर पार्किंग कैमरा, 4 स्पीकर इसमें आ जाते हैं, और आप इसका डैशबोर्ड देख पा रहे हो, काफी ज्यादा लग्जरी और प्रीमियम लुक देता है। एस्प्रेसो की बात करूँ, एस्प्रेसो में आता है मिड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इस गाड़ी के फ्रंट में आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है, सब कुछ बीच में दिया गया है। 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, डिजिटल स्पीडोमीटर, एंड्रॉइड एप्पल नेविगेशन, रियर पार्किंग, नेविगेशन, 4 स्पीकर इसमें आ जाते हैं। तो आपको मैं डैशबोर्ड डिजाइन दोनों का ऊपर नीचे दिखा दे रहा हूँ, कौन सी गाड़ी का डैशबोर्ड आपको पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों बात करेंगे हम सेफ्टी की। देखो अगर सेफ्टी की मैं बात करता हूँ ना, तो दोनों गाड़ियों को मिले हैं मात्र एक एक स्टार, जी दोस्तों बस एक स्टार की सेफ्टी रेटिंग है। तो भाई जिसको भी लेना है ये बात जान लो, सोच लो, समझ लो। अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस में यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस है। वैगन आर में पेट्रोल में कुल 9 मॉडल्स आते हैं जो कीमतें शुरू होती हैं 6,25,000 से शुरू हो रही हैं, और टॉप मॉडल 8,40,000 रुपये में आ जाती है। CNG में गाड़ी में कुल 2 मॉडल्स आते हैं जो कीमत शुरू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू में आपको बता रहा हूँ दोनों का, 7,26,000 से शुरू होती है और 7,70,000 रुपये में ऑन रोड आ जाती है। मैं आपको लगभग की कीमत बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर आ जाएगी इतने में। एस्प्रेसो की बात करूँ तो एस्प्रेसो एज कम्पेयर टू वैगन आर थोड़ी सी चीप आपको सस्ती पड़ जाती है। जैसे कि एस्प्रेसो की जो यहाँ पे मॉडल शुरू होती है वो 4,78,000 से, और टॉप मॉडल 6,82,000 रुपये में बहुत आराम के साथ आ जाएगी। CNG मॉडल शुरू होती है 6,67,000 से, और टॉप मॉडल 6,90,000 रुपये में बहुत आराम के साथ आ जाती है। सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग की बात करता हूँ तो देखो यार प्राइस के हिसाब से जो एस्प्रेसो है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा यहाँ पे अफोर्डेबल और वैल्यू फॉर मनी डील दे रही है, क्योंकि आपको दोनों गाड़ियों में इंजन तो सेम देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ पे एस्प्रेसो का कम है। लेकिन हाँ एक चीज और नोटिस कीजिएगा, जो वैगन आर इसका टॉप मॉडल लोगे ना, जिसकी कीमत मैं
आपको करीब 8,40,000 दिखा रहा हूँ, इस मॉडल में आपको 4 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है। तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लेकिन आई थिंक अगर आपको यहाँ पर दोनों में से एक गाड़ी किसी को चूज करना रहे तो इन माई ओपिनियन वैल्यू फॉर मनी डील के हिसाब से देखेंगे तो मुझे पर्सनली एस्प्रेसो का डील ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी कीमतें भी आपके सस्ते में आ जाती हैं। जैसे कि मान लो आपका बजट है 6 लाख रुपया और 6 लाख के अंदर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको यहाँ पे वैगनार नहीं एस्प्रेसो मिलेगा। सीएनजी भी आपको यहाँ पे थोड़ी सस्ती मिल जाती है, 1 लाख रुपए का फर्क है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे मनी फैक्टर डिसाइड करता है। बाकी दोनों गाड़ी को कंपेयर करूंगा ना तो लगभग दोनों में सेम इंजन आ जाता है, सेफ्टी भी सेम है और यहाँ पे साइज वाइज बस फर्क है, वैगनार बड़ी है। तो फाइनली आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।